एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरती के कुकिंग ब्लॉग। तो आज हम बनाने वाले हैं भंडारे वाली कद्दू की सब्जी। तो चलिए भंडारे वाली कद्दू की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भंडारे की सब्जी बनाने के लिए हमने इधर कद्दू लिया हुआ है वन केजी या हाफ केजी ले सकते हो। तो इधर मैंने कद्दू लिया हुआ है और ये टोमेटो वन एंड चॉप किया हुआ अनियन एंड गार्लिक ली हुई है और इधर मैंने सारे मसाले लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से हमारी कद्दू की सब्जी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जब भी हम बनाएं कद्दू की सब्जी तो मस्टर्ड ऑयल से ही बनाएं। ऑयल गर्म हो चुके हैं और इसमें धुआं उठने लगा है, तो इसमें हम डाल देंगे मेथी दाने। मेथी दाने को एकदम ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा इसे प्याज से नहीं पकाना है, हल्की गलती रखनी है। मैं हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो ये हमने ऐड किया हल्दी पाउडर, और टमाटर हम डाले हो ना डाले या ऑप्शनल है। हम क्यों डाल रहे हैं तो आप टमाटर नहीं डालें, या आपको दोनों पसंद हो तो आप दोनों डाल सकते हैं। इसमें हमारे पास धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा डालेंगे रेड चिली पाउडर। इसमें आपको वाटर ऐड नहीं करना है क्योंकि ये कभी पानी छोड़ता है। थोड़ा सा ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। मैं हम ऐड करने वाले हैं चॉप किए हुए टोमेटो और इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे हम लेग से ढक देंगे। चेक करेंगे 10 मिनट में, चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जी पकी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग ये सब्जी पक चुकी है। फाइनली हमारी सब्जी कुक हो चुकी है। डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है सब्जियों का। तो इसमें हमने मिक्स कर दिया धनिया। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। काफ़ी गर्मा गर्म इस तरह से आप सब्जी को सर्व करें और आप इसे पूड़ी के साथ या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।